ये चिटफंड और खनन घोटाले के कारण उड़ीसा सरकार की पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है। तो इसीलिए हम जो बीजेडी को पहले वक्त जो हमने एक यहाँ के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं हैं और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और तीसरा, युवाओं में भीषणतम बेरोजगारी तो बढ़ रही है लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और हम अभी हमारे सात जो नेता आए थे उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% ILO रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में है तो फिर आप डेवलपमेंट क्या करें? 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है और फिर भी लोगों से वो वोट पूछते हैं तो किस मुंह से वो पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि यहाँ के लोगों को तो एक अलग ढंग से उन्होंने बोल बोल कर अपने मदद करने का तो छोड़ दिया और यहाँ पर कोई मदद ही नहीं किया, सिर्फ उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उड़ीसा का एक मैं क्या कहूँ कि उड़ीसा को बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है।